आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। सामने आके लगा हुआ ना ताला, अगर सबका सबकी मांगनी है कि ये ग्राउंड मिलना चाहिए, सिंपल पब्लिक को मिला है, पब्लिक को ग्राउंड मिलना चाहिए। ग्राउंड तो एक साल पहले खोल दिया था मैंने, या बच्चियां फुटबॉल खेला करती थी, और ये बच्चियों के लिए ही, सही मानों में तो बच्चियों के लिए ही ग्राउंड बनाया गया था। उसमें के तीन चार बच्ची तो केरला बिराले में खेल रही है अपनी, उमरा की बच्चियां हैं, लेकिन फुटबॉल बहुत अच्छी खेलती है। फिर उस दिन ताला लगाया था तो मैं आया था तो मैंने ताला तोड़ दिया। फिर हमारे इधर आजकल नई सियासत शुरू हो गई, रात के अंधेरे में काम करते हैं, फिर आके फिर से लॉक चले लगा देते हैं। अब तो मैं लॉक तो लगाने के लिए गेट ही नहीं रुकूंगा, गेट भी तोड़ डालूंगा। शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों का कहना है कि ये जो है मनपा ने अभी से ग्राउंड के लिए दिया नहीं है। पर मनपा का क्या संबंध है, मालिक है ना, मालिक ने मेरे को बोला कि ग्राउंड ले लो और खेलो, मनपा का क्या संबंध है। और नया पॉलिसी मालूम नहीं क्या इनको कि एकोमोडेशन रिजर्वेशन नाम की एक पॉलिसी है, तो ये जमीन जो खरीदेगा वो ग्राउंड डेवलप करेगा, वो ग्राउंड के बदले में उनको जो TDR मिलेगा, जो AR पॉलिसी में आएगा, वो बिल्डिंग बनाएगा। ये तो माहिर बिल्डर है साहब। कभी जो सवाल उठ रहे हैं इस ग्राउंड को लेकर कि ऐसा आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप कई बार ऐसे बोल के चले गए लेकिन मिला नहीं। एक साल पहले खुला था, मैं बच्चियां यहाँ पे आके खेलती थी, सिर्फ बीच में वहाँ पे डंपिंग हुआ, वो डंपिंग का जो बदबू थी ये एरिया में फैल रही थी, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, तो मैंने फिर उनको बोला ये बंद करो जाए। अभी मई महीना आ रहा है, छुट्टियों का मौसम है, बच्चे आके खेलेंगे, इनके पेट में दुख क्यों रहा है। मठाना मापा लेने के लिए लिया नहीं लिया, ग्राउंड है ना, खेलने दो बच्चों को, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, तुम क्या मालिक हो क्या। वो जो देखेगा मालिक, देखेगा मालिक से मैं देखूंगा। लीगल तौर पर मांग रहे हैं कि मनपा का, अरे वो पास किया है क्या, वो खड्डे में गया महापालिका कमिश्नर और महापालिका, मालिक कौन है इस जगह का, मालिक है नरोत्तम नगर, नरोत्तम नगर ऑब्जेक्शन लिया है क्या, नहीं लिया, तो तुमको क्या करने का है। आधे कानून और आधे तो मालूम नहीं है, नरोत्तम नगर मालिक है, नरोत्तम नगर के मालिक के दम रहेगा तो आके लॉक लगा के दिखाओ मेरे को। कल आपने ग्राउंड खुलवाया था एक दिन पहले ही, और कल शाम के वक्त किसी ने मेरे को मालूम है किसने लगाया, तो उसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ। फिर मैंने आपको तोड़ा, तो कोई लॉक लगाएगा, कोई भी लॉक लगाएगा 15 मिनट में तोड़ेंगे। हमको मालूम है क्या सियासत चालू थी, हम ग्राउंड ला के देंगे, हम जिसको बोलेंगे हम उसको बोलेंगे। मैं किसको बोलने मिलने जाता नहीं हूँ, ये मुमरा वालों की बाप की प्रॉपर्टी है, ये ग्राउंड मुमरा वालों को ही मिलेगा, किसी के परमिशन की हमको जरूरत नहीं है। कौन लोग थे जिन लोगों, मेरे को नहीं, उसे ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेता हूँ। इस समय ले लो उसको, गिरा दो पहले।
ग्राउंड जो है ना, ये मुमरा वालों का ग्राउंड है, इस पर रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन होने के नाते म्युनिसिपैलिटी को दे न दे, मालिक है ना इसको, एक नरोत्तम नगर नाम की सोसाइटी इसकी मालिक है। मालिक ने कुछ हरकत ली क्या है, मालिक से मेरी खुद बात हुई थी, वो भी नहीं आज नहीं, 2 साल पहले, जब हमने लड़कियों के लिए ग्राउंड खेला था और लड़कियां यहाँ पे फुटबॉल खेलती थी। अभी गेट जो लगा था, ताला लगा था, उसको आपने ताला भी तोड़ दिया और गेट भी तोड़ दिया, यानी ये हरकत ही बंद करो ना, बच्चे जैसी रात को आके चुपके चुपके ताली लगा के घर पे भाग जाने का। हम तो खुले आए, तुम्हारे सामने गेट तोड़ दिया, तुम्हारे सामने ताला तोड़ दिया। अगर मालिक मेरे को नहीं बताता तो मैं ये सब नहीं करता। मेरी मालिक से बात हुई है और मालिक से बात नहीं हुई तो भी मुमरा का हक का ग्राउंड है, वो देखे रहूंगा मैं, और तुमको रोकने का है तो रोक के दिखाओ, मैं खुद आता हूँ, मेरे में जब दम है ना तो खुद आता हूँ जगह पे, भागता नहीं हूँ।